हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा व शिवसेना कांग्रेस को देगी कड़ी टक्कर। सुमेरपुर विधानसभा चुनाव में भाजपा व कांग्रेस की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन शिवसेना ने अपनी पुरजोर के साथ प्रचार में अपनी ताकत झोंक डाली है। शनिवार रात को शिवसेना प्रत्याशी संतोष कंवर व राष्ट्रीय क्रांतिकारी संत रामगिरी महाराज जी ने प्रेस वार्ता कर सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं से जूझ रही जनता की पीड़ा बताई, जिसमें कहा है कि कांग्रेस सरकार ने तो पूर्व में जनता को काफी परेशान कर लूटा है, वही इसके बाद भाजपा सरकार भी कुछ इसी तरह से रवैया दिखाने लगी है, जिसको देखते हुए जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना ने अपना परचम लहराया है, उसी तरह हम राजस्थान में भी शिवसेना का परचम लहराएंगे और जनता की समस्याओं का मात्र 6 महीनों में समाधान करेंगे। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़क, हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी जैसी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान निकालेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को खाद्य सुरक्षा सामग्री नहीं मिलना, यह भी सबसे बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान जल्दी निकालेंगे। उन्होंने कहा कि सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत हो या हार, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में जो आवारा पशु घूम रहे हैं सड़कों पर और उससे आए दिन हो रहे दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हॉस्पिटल व गौशाला खोलकर उनका पालन पोषण करने का भी आह्वान किया। वही प्रेस वार्ता में बताया कि ये किया है नाटक, इसमें तो बहुत बड़ा इनको झटका लगेगा, और मैं कहता हूँ ये जो इन्होंने नोटबंदी किया इसमें भी बहुत बड़ा झटका लगेगा, जो ये इन्होंने ये टैक्स जो जीएसटी ये जो भी इनको ने जो टैक्स लगाया है जो उसको बोलते हैं बबर टैक्स या दादा टैक्स, ये टैक्स भी इनको ले डूबेगा। मैं कहता हूँ हिंदुत्व के लिए इन बीजेपी के पीछे पड़ रहे थे, आप कंबल के पीछे मत चलो, आप इंसान को पहचानो, मन की बातें करने से कुछ नहीं होता है। जैसा मैं आपको बोलूं कांग्रेस तो पहले से ऐसी थी, अभी बीजेपी में जब हिंदुत्व के लिए हम सबने हिंदुओं ने मिलकर नरेंद्र मोदी जी को एक गद्दी पे बिठा भी हिंदुत्व का अच्छा काम करेंगे, अरे इनको नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया, इनके जो बुजुर्ग नेते थे जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, इनके बहुत वरिष्ठ नेते से जसवंत सिंह जसोल, उनको सबको उन्होंने साइड में कर दिया, और प्रवीण तोगड़िया इनका सगे भाई से भी ज्यादा था, उनको भी इन्होंने साइड में कर दिया, इनका पेट भरा नहीं, और वो घटने के बाद इन्होंने एक ककरी भी नहीं लगाई। उसके लिए तो मैं इतने ही इनकी हालत खराब कर दूंगा, सुमेरपुर विधानसभा के जो पहले जो एमएलए एमपी जो भी थे सरकार, उनकी हालत करूंगा, पूछूंगा मैं जो ज्वाई बांध के लिए पूर्ण भरण के लिए तो पैसे आए थे 6,000 करोड़ रुपए कहां गए, वो इन्होंने कुछ किया नहीं। वो पूर्ण भरण हो जावे ज्वाई बांध तो उसका पानी गांव वालों के खेत तक पहुंचे और वो खेती से बेचारे खेत कर सके और फसल बांध सके। सुमेरपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।